मैंने आपको पहले बताया था कैन के बारे में, और ये बताया था कैन कितने तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको उसके बहुत सारे रूल बताए थे। अब मैं आपको उसका फ्यूचर, तो फ्यूचर बोलते हैं और पास्ट, वो दोनों चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो अगर कोई सेंटेंस जो कि हम पास्ट कंटिन्यूस में यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस तो रूल इज सब्जेक्ट गोज मोर एबल टू प्रेजेंट फॉर्म जब हमारे पास ये रूल है। अब मुझे एक सेंटेंस बनाना है। अब मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा? लोग बाबा जी के सामने बोल नहीं पा रहे थे। अब मैंने इसका नेगेटिव बनाया है। जब नेगेटिव होगा तो इस पास वर्ड के बाद आप क्या लगा दोगे? आप मार्क लगा दोगे, राइट? तो लोग बाबा जी के सामने बोल नहीं पा रहे थे, तो क्या होगा? अब मुझे सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले आप देखो सब्जेक्ट क्या है, कि पा रहे थे, दैट मीन्स ये शो करता है कि ये उनकी इनएबिलिटी थी, ये उनकी अक्षमता थी कि उनके आगे नहीं बोल पा रहे। तो वर्ब क्या है? वर्ब इज बोल, दिस इज वर्ब। अब मुझे इस वर्ब से पूछना है कि कौन नहीं बोल पा रहे थे? लोग। तो लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट। तो इस जो इस कौन का आंसर जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा, क्लियर है? अब मैंने क्या पीपल, अब पीपल के साथ क्या आएगा? बोल आएगा, वन आएगा, वन आएगा, क्योंकि पीपल क्या है? बहुत सारे प्लूरल्स हैं। तो प्लूरल्स के साथ क्या है? वर। पीपल वर नॉट एबल टू, पीपल वर नॉट एबल टू, द वर्ब इज स्पीक, स्पीक। अब ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि वो कुछ काम हम नहीं कर रहे। अब किसी के सामने की बात हो रही है, तो के सामने क्या मतलब होता है? बिफोर, बिफोर बाबा जी, राइट? अच्छा सॉरी, स्पीक बट नॉट एबल टू, ओके, एबल टू बिफोर बाबा जी। अब सेम सेंटेंस में अगर मैं एक फ्यूचर में बनाऊं तो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, हम विल और या शैल का इस्तेमाल करते हैं, साथ लगाते हैं बी, एंड देन अगेन एबल टू प्रेजेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आप यहां पर भी कैपेबल ऑफ वॉज वर्ब में कैपेबल ऑफ या अगर नेगेटिव है तो अनेबल टू, एबल टू के बाद अनेबल टू, कैपेबल ऑफ, इनकेपेबल ऑफ, आप ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो सब्जेक्ट हो गया विल शैल बी एबल टू प्रेजेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा? वह यह काम कर लेगा या पाएगा, राइट? सो ही विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है? क्लियर है सबको? तो सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरगेटिव नेगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव, वो आपको बनाने, राइट? बता दीजिए। थैंक यू सो मच।